जाता है कि जैक हॉल अपने दो साथियों के साथ, जिनका नाम फ्रैंक और जेसन है, अटलांटिका में है। यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और ये यहाँ पर बर्फ के सैंपल्स लेने के लिए आए हैं। और जब ये सैंपल्स ले रहे होते हैं तभी वहाँ पर बर्फ धंसना शुरू हो जाती है और इनकी ड्रिल मशीन वहाँ से हजारों फुट नीचे गिर जाती है। दरअसल यहाँ पर बर्फ की एक बहुत लंबी, गहरी और चौड़ी खाई बन चुकी है और अभी तक इन्होंने जो सैंपल्स लिए हैं वो बर्फ की खाई के उस तरफ है। जैक उस तरफ कूद जाता है और किसी तरह से वो अपनी जान पर खेल के उन सैंपल्स को ले आता है। इसके बाद जैक न्यू दिल्ली जाता है जहाँ पर UN की एक कॉन्फ्रेंस है और वो वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताता है। वो कहता है कि अगर ग्लेशियर्स पिघल गए तो गर्मी का मौसम पूरी तरह से इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। लेकिन US वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि इस काम में अरबों खरबों रुपए का खर्चा है, इसकी कीमत कौन चुकाएगा। जैक बोलता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमें और भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बर्फीली चोटियां बहुत तेजी के साथ गायब हो रही है और जो आखिरी छोटा सा बर्फ का टुकड़ा टूटा था उसका साइज एक पूरे शहर के बराबर था। लेकिन जैक की बात को यहाँ पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती क्योंकि इस काम में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि मौसम में अब बहुत तेजी के साथ बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। समंदर में तूफान आ रहे हैं और एक जगह टेम्परेचर एकदम से 13 डिग्री डाउन हो जाता है और यहाँ तक कि टोक्यो में आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं जिससे कई लोग घायल हो जाते हैं। वहीं जैक हॉल अब अपने घर वापस आ जाता है और वापस आने के बाद उसे पता चलता है कि उसका बेटा सैम, जो कि एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, वो फेल हो गया है। और जब वो अपने बेटे से पूछता है तो वो बोलता है कि जवाब मेरे दिमाग में था इसलिए मैंने लिखा नहीं और प्रोफेसर ने मुझे फेल कर दिया। जैक हॉल कहता है कि वो तुम्हें फेल कैसे कर सकता है, तुम उससे ज्यादा समझदार हो। सैम कहता है कि मैंने भी ऐसे ही कहा था और उन्होंने मुझे फेल कर दिया। दरअसल सैम न्यूयॉर्क जा रहा होता है, वहाँ पर एक क्विज कॉन्टेस्ट होता है और इसीलिए वो अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ वहाँ जा रहा है। और जब वो फ्लाइट पर होता है तो एक बहुत जोरदार तूफान आता है और ऐसा लगता है कि अब इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन कुछ ही देर बाद प्लेन स्टेबल हो जाता है और ये न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। न्यूयॉर्क में बहुत ट्रैफिक होता है और ये अपनी गाड़ी से उतर जाते हैं और तभी सैम आसमान की तरफ देखता है। वहां पर हजारों पक्षी एक साथ उड़ते हुए कहीं जा रहे होते हैं, वो चिल्ला रहे होते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर टेरी रैप्सन को दिखाया जाता है। ये एक ओशनोग्राफर है यानी कि जो समंदर के मौसम का ध्यान रखते हैं और ये जैक हॉल के साथ दिल्ली में जो UN की कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर भी थे और ये देखते हैं कि जहाँ समंदर में पहले एक जगह 13 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हुआ था, जो इन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी यंत्र की खराबी के कारण हुआ है, लेकिन अब वो तापमान लगातार कम होता हुआ आगे बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल चार अलग अलग जगहों पे दिखाया जाता है कि 13 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो चुका है और ये एक बहुत बड़ी बात होती है, इतनी जल्दी इतना तापमान नहीं गिरता। और वो जैक हॉल को कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि जैसा तुमने कहा था कि ग्लेशियर्स पिघलने से उत्तरी पूर्व महासागर की धाराओं पर असर पड़ेगा, लगता है वो असर पड़ना शुरू हो गया। जैक हॉल इस बात से हैरान हो जाता है, वो कहता है हमारे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता था, उसके लिए अभी बहुत साल बाकी हैं। और वो उस ईमेल को चेक करता है जो उसे प्रोफेसर रैप्सन ने भेजी होती है, वो कहता है कि ऐसा पिछले 10,000 सालों में कभी नहीं हुआ। और इसके बाद मौसम विभाग ये जानकारी देता है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लॉस एंजलिस में हवाएं चल रही है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बवंडर आ सकता है। और ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर जमीन से अपने आप ही कई बवंडर बनना शुरू हो जाते हैं और ये सिलसिला कई घंटों तक चलता रहता है। और जब तूफान बवंडर थमते हैं तो ये दिखाया जाता है कि पूरा लॉस एंजलिस शहर तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है और साथ ही साथ लॉस एंजलिस के लिए सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया जाता है। और यहाँ पे अब एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है, इस मीटिंग में मौसम विभाग के बहुत सारे लोग होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर US सुरक्षा कमेटी के लोग और NASA के भी लोग होते हैं। जैक हॉल भी यहाँ पर होता है क्योंकि वो NASA के लिए काम करता है, लेकिन इनमें से किसी को भी इस मौसम के बदलाव की सही जानकारी नहीं होती। तभी जैक बोलता है कि क्या आपने उत्तर अंध महासागर की धाराओं पर ध्यान दिया। वो बताता है कल रात को मुझे प्रोफेसर रैप्सन का कॉल आया था और उनके मुताबिक धाराएं बदल गई हैं। तभी एक आदमी बोलता है ये कैसे हो सकता है। जैक बताता है कि इन धाराओं का संतुलन नमक के पानी से और मीठे पानी से होता है और ग्लेशियर पिघलने की वजह से कितना पानी समंदर में गया है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते और मुझे ऐसा लगता है कि समंदर से नमक का पानी कम हो रहा है
और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इससे मौसम कितना बदतर हो सकता है। वो इन्हें ये भी बताता है कि प्रोफेसर रेप्सन के केंद्र के पास कुछ जानकारी है और वो चाहते हैं कि मैं अपने प्राचीन यंत्र में उस जानकारी को डालकर आगे के मौसम की जानकारी को प्राप्त कर सकूं, जिस तरह से उसने पिछली बार अनुमान लगाया था। लेकिन पिछली बार जैक ने जो अनुमान लगाया था उसके अनुमान के हिसाब से ये सब 100 सालों बाद होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत जल्दी हो गया। लेकिन उसका अनुमान बिल्कुल ठीक था। पर यहाँ पर जैक की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, उन्हें लगता है ये सिर्फ एक थ्योरी है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो जैक का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये सब इस पर शोध करते हैं और इन्हें ये पता चलता है कि आने वाले 8 से 10 हफ्तों में मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा, जान माल की बहुत हानि होगी। और इसीलिए जैक वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है और वो उसे बताता है कि मेरे बनाए हुए मॉडल से मुझे ये पता चला है कि 8 से 10 हफ्तों में बहुत तबाही होने वाली है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुमने दिल्ली में यूएन की बैठक में कहा था कि ऐसा 100 सालों तक नहीं हो सकता। जैक बोलता है कि मैं गलत था, हमें शहरों को खाली करवाना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि शायद तुम इस बार भी गलत हो, हम शहरों को खाली नहीं करवा सकते, और वो वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली 3 हेलीकॉप्टर्स में कहीं जा रही होती है और रास्ते में बहुत सारे बादल होते हैं। वहाँ टेम्परेचर लगातार गिरना शुरू हो जाता है और टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि हेलीकॉप्टर हवा में जम जाते हैं और वो आसमान से नीचे गिर जाते हैं और ब्रिटिश रॉयल फैमिली पूरी की पूरी बर्फ में दफन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर में, जहां पर जैक का बेटा सैम होता है, वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है और पानी जमीन से भी आना शुरू हो जाता है। और तभी वहां पर एक बहुत बड़ी सुनामी आती है और उस सुनामी में पूरे मैनहट्टन शहर में पानी पानी हो जाता है। वहां पे सड़कों पर पानी आ चुका है, लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जैक अभी भी अपनी रिसर्च को जारी रखता है और उसे ये पता चलता है कि आने वाले समय में 3 जाइगेंटिक हैरिकेन आने वाले हैं, यानी कि बहुत बड़े भूमंडल, और ये 3 जगहों पर आएंगे, कनाडा, स्कॉटलैंड और साइबेरिया, और 24 घंटों में ये अपना पूरा रूप बदल लेंगे और 48 घंटों में ये कहां तक फैल जाएंगे इसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। वो प्रोफेसर रेप्टन को पूरा डेटा भेजता है और वो उन्हें बताता है कि 7 से 8 दिन बाद जब ये पूरा भवंडर पूरा तूफान खत्म होगा तो हम आइस एज में पहुंच जाएंगे। जैक प्रोफेसर को बोलता है कि तुम वहां से निकल जाओ क्योंकि तूफान उसी तरफ बढ़ रहा होता है। प्रोफेसर बोलते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जैक का बेटा सैम अभी भी न्यूयॉर्क में फंसा हुआ है और वो अपने डैड को कॉल करता है और वो उनसे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। उसके डैड उसे बताते हैं कि तूफान बहुत जल्दी वहां पर आने वाला है और हालात बहुत बदतर हो जाएगी और हवा इतनी सर्द होगी कि लोग जमकर मर जाएंगे। यहाँ पर सैम अपने डैड से ज्यादा बातें नहीं कर पाता क्योंकि पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और वो टेलीफोन बूथ के ऊपर तक आ जाता है और फोन कट जाता है। अब जैक अपने बेटे को लेने के लिए न्यूयॉर्क जाना चाहता है लेकिन उसका साथी बोलता है कि तुम वहां मत जाओ, अगर तुम वहां गए तो तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। जैक बोलता है कि मैं पहले भी कई बार बर्फीली जगहों पर जा चुका हूं। उसका दोस्त बोलता है कि ये वैसी जगह नहीं होगी, उसकी पत्नी भी वहां पर होती है। जैक अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे मत रोकना और जैक अपने बेटे को बचाने के लिए न्यूयॉर्क निकलने की तैयारी करता है। तभी वहां पर उसका सीनियर आता है और वो कहता है कि तुम्हें ये सारी बातें प्रशासन को समझानी होगी। जैक बोलता है कि मैं पहले कोशिश कर चुका हूँ। वो बोलता है कि तुमसे प्रेसिडेंट मिलना चाहते हैं और वो प्रेसिडेंट से मिलने जाता है और वो उन्हें समझाता है कि ये तूफान 7 से 8 दिन चलेगा और तूफान रुकने के बाद यहाँ का टेम्परेचर उतना ही होगा जितना पिछले शीत युग यानी आइस एज के वक्त था। वो जैक से पूछते कि अब हम क्या कर सकते हैं। जैक उन्हें बताता है कि हम दक्षिण में जितना दूर तक जाएंगे उतना सेफ रहेंगे। प्रेसिडेंट पूछते हैं जो लोग उत्तर में फंसे हुए उनका क्या। जैक बोलता है कि उनको बचाना मुश्किल है, अगर वो अपने घर पर रहकर दुआ करे तो यही उनके लिए अच्छा होगा। और ये कहकर जैक वहां से निकल जाता है क्योंकि उसे न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर जाना है जहां पर उसका बेटा फंसा हुआ है। और अब यहां पर प्रेसिडेंट ये डिसाइड करते हैं कि जैसा जैक ने कहा है हम वैसे ही करेंगे, हम सेना को उत्तर में नहीं भेज सकते क्योंकि अगर हमने सेना को उत्तर में भेजा तो शायद वो कभी वापिस आ ही ना पाए। और जंग के दिनों में भी ऐसे रूल फॉलो होते हैं, जितने लोगों की जान बचाई जा सकती है उतने लोगों की जान बचाई जाती है। और अब इन्हें लगभग आधे देश को खाली करवाना है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जैक अब न्यूयॉर्क के लिए निकल चुका है और न्यूयॉर्क में उसके बेटे ने जिस बिल्डिंग में आश्रय लिया होता है वहां पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं और वहां पर सैम यानी कि जैक के बेटे के दोस्त भी होते हैं। अब यहां पर कुछ देर पहले जो पानी सड़कों में भरा हुआ था वो पूरी तरह से जम चुका है, वो बर्फ बन चुका है और बाहर कई सारे लोग दक्षिण की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ पर अंदर ये ऐलान किया जाता है कि सब के सब उनके साथ दक्षिण की तरफ जाएंगे। लेकिन सैम बोलते हैं कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे हालात और भी बदतर होंगे, ठंड और भी बढ़ जाएगी, मेरे पिता मौसम विभाग में वैज्ञानिक है, हमें अंदर रहकर इंतजार करना चाहिए।
लेकिन सैम की बात को कोई नहीं मानता। वो कहते कि हम यहाँ पर भूख से ठंड से मर जाएंगे और वो सब के सब वहाँ से निकलना शुरू करते हैं। लेकिन सैम और उसके कुछ दोस्त यहाँ पर रुक जाते हैं। सैम के डैड ने उसे कहा था कि वो उसे यहाँ पर लेने के लिए आएंगे। वो यहाँ पर कुछ किताबें जलाते ताकि कुछ गर्मी पैदा हो सके। सैम का दोस्त सैम को बोलता है कि पृथ्वी का उत्तरी भाग पूरी तरह से इस तूफान की चपेट में है। यूरोप 15 इंच बर्फ के नीचे धसा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे डैड यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आ पाएंगे। सैम बोलता है कि वो आएंगे क्योंकि सैम के डैड ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। वही जैक सैम को लेने के लिए आ रहा होता है। वो अपनी गाड़ी में होता है लेकिन सड़कों पर बहुत गहरी और बहुत ऊंची बर्फ होती है, इसीलिए गाड़ी जा नहीं पाती। और वो अपने उन साथियों के साथ जिनके साथ वो ऐसी जगहों पर पहले भी कई बार जा चुका है, अब पैदल आगे चलना शुरू करता है। और रास्तों पर बर्फ इतनी ऊंची ऊंची हो चुकी है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी अब उन बर्फ के नीचे है। तभी इनमें जो सबसे पीछे होता है उसके पास जो सामान होता है वो उसे खींच कर आगे ले जा रहा होता है और बिल्डिंग के ऊपर का शीशा टूटकर वो सामान नीचे गिर जाता है। और उस सामान के साथ ये सब के सब रस्सी से बंधे होते हैं और एक के बाद एक ही घिसटते हुए उस सामान के साथ नीचे जाना शुरू करते हैं। लेकिन तभी जैक बर्फ पर हुक लगाता है और ये सब के सब रुक जाते हैं और इसके बाद उन्हें ये सामान छोड़ना पड़ता है। और अब ये तीनों की तीनों आगे का सफर तय करते हैं। इनके पास सेफ्टी का, खाने का, पीने का अब कोई सामान नहीं बचा और ये सब बिना सामान के अब आगे का सफर तय करते हैं। और अगले एक घंटे में तूफान न्यूयॉर्क तक पहुंच जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जहां पर सैम और उसके दोस्त होते हैं वहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम लॉरा होता है। दरअसल सैम लॉरा की वजह से यहां पर आया होता है। वो उसे प्यार करता है और लॉरा के पैर पर चोट लगी होती है जिससे पॉइजनिंग हो जाती है और उसकी तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब है, उसे दवाइयां चाहिए। यहाँ पर एक पानी का बहुत बड़ा शिप भी अंदर तक आ चुका होता है और ये कहते हैं कि उस शिप में दवा जरूर होगी। और वो अपने दोस्तों के साथ बाहर दवाई लेने के लिए जाता है और जब ये वहाँ से उस शिप के अंदर दवा लेने के लिए जाते हैं तो बाहर दिखाते हैं कि वहाँ पर कुछ भेड़िए भी होते हैं जो जू से छूटकर यहाँ पर आ गए होते हैं। और ये भेड़िए उस वक्त इनके ऊपर हमला कर देते हैं जब ये दवा लेके वापिस आ रहे होते हैं। लेकिन ये किसी तरह से उनसे बचकर शिप से दवा लेकर बाहर आ जाते हैं और तभी ये दिखाते हैं कि मैनहट्टन शहर में अब तूफान आ चुका है और हर चीज जमना शुरू हो जाती है। लेकिन सैम और उसके दोस्त किसी तरह से लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने आश्रय लिया होता है और वहां पर वो सारी किताबें जला देते हैं क्योंकि अगर ये किताबें नहीं जलाएंगे तो ये जमकर मर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सैम के पिता जैक अपने दोस्त के साथ आ रहे होते हैं। वहां पर भी हर चीज जमना शुरू हो जाती है और वो भी एक जगह पर शेल्टर ले लेते हैं। और जब तूफान वहां से गुजर जाता है तो वो उस लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर उनका बेटा सैम है। और वो रास्ते में ये भी देखते हैं कि वो सभी लोग पूरी तरह से बर्फ में जमकर मर चुके होते हैं जो लाइब्रेरी से निकलकर आगे का सफर तय कर रहे थे। अब सैम के डैड उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सैम और उसके दोस्तों ने शेल्टर लिया है और वो देखते हैं कि वो सब के सब एक कमरे में। हालांकि यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है लेकिन इन्होंने वहां पर आग जलाई होती है इसीलिए ये गर्माहट की वजह से बच जाते हैं। सैम अपने डैड को देखता है और उनके गले लग जाता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। दरअसल सैम के डैड जैक ने उसे कभी भी टाइम नहीं दिया था क्योंकि वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे। लेकिन अब सैम के सारे गिले सारे शिकवे खत्म हो चुके क्योंकि उसके डैड अपनी जान पर खेलकर उसे बचाने के लिए यहाँ पर आए। और अब जबकि तूफान थम चुका है तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर आते हैं और जैक उसके बेटे सैम और उसके दोस्तों को सबको बचा लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं क्योंकि प्रेसिडेंट की इस तूफान में इस आपदा में मृत्यु हो चुकी होती है। और वाइस प्रेसिडेंट जो कि अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं वो मेक्सिको में होते हैं और वहां से अपना भाषण देते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होता है क्योंकि उन्होंने जैक की बातें नहीं सुनी थी। वो कहते कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे और प्रकृति हमें उसकी सजा नहीं देगी, ऐसा हो नहीं सकता। प्रकृति ने हमें दिखा दिया है कि हम उसके सामने कुछ भी नहीं है और अब इंसानियत पूरी तरह से बदल चुकी है। जिन देशों को हम कमजोर मानते थे उन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में हमारा साथ दिया, हमें आसरा दिया और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। और इसी के साथ ये फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
दरअसल इस कहानी से लेखक दुनिया को ये समझाना चाहता है कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर हम नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो इसका फल हमें भविष्य में भुगतना पड़ेगा। और इसमें ये भी दिखाया जाता है कि इंसान की नेचर के सामने कोई औकात नहीं है। अगर नेचर अपने आप में आ जाए तो पल भर में पूरी इंसानियत का खात्मा हो सकता है। ये फिल्म सन 2004 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। इस फिल्म का बजट था $125 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $553 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।